नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नोई स्थित अफजलगढ़ की, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब से मिली जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा के नेतृत्व में भाजपा का 42वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। कालागढ़ अफजलगढ़ मार्ग स्थित डाक बंगले के समीप शोभित रांचल के आवास पर भाजपा का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ध्वजारोहण भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रभात फेरी निकाली और मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ भाजपा नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और पुष्पमाला चढ़ाकर किया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा कि भाजपा की प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, जिसके तहत प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार की गरिमा को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र के किसी भी गरीब आदमी को किसी भी समस्या से परेशान ना होना पड़े। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी देखा गया। देश ने उनका जीवन बदला है। आज देश की नारी शक्ति के भीतर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, आर्थिक फैसलों। इस दौरान भीम सिंह रावत, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा प्रशांत चौहान, देवराज सिंह चौहान, प्रमोद बजाज आदि सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।